हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह राजीव क्लासेज में वेलकम करता हूं। आज मैं कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, इसे ध्यान से देखेंगे और इसको मैं सॉल्व करा रहा हूं बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से। क्वेश्चन जो कह रहा है, पहला क्वेश्चन है कि एक आदमी ने कुछ वस्तुएं खरीदी, उसने 1/3 वस्तुएं 14% लाभ पर, कॉमा 3/5 वस्तुएं 17.5% लाभ पर और शेष वस्तुएं 20% लाभ पर बेच दी, इस सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक है, देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक होगा 1/3 वस्तुएं 14% लाभ पर प्लस 3/5 वस्तुएं 17.5% लाभ पर, 17.5 को मतलब 35/2। ठीक है, फिर क्या है, शेष वस्तुएं 20% लाभ पर। अब शेष वस्तुएं कैसे निकालेंगे, 1/3 और 3/5 दोनों को जोड़ देंगे और घटा लेंगे एक में, सो वही हो जाएगा यहां पर शेष वस्तु। कैसे, 5 और 3 का 9 14, यानी 1/15 हो जाएगा। कैसे निकाला जाता है इसको दिखाते हैं। 1/3 हो गया और ये 3/5 हो गया, एलसीएम ले लेंगे 15, तो 3 × 5 = 15, 5 × 5 = 5, 5 × 3 = 15, 3 × 3 = 9, तो ये हो जाएगा 14/15। तो 14/15 हो गया, तो शेष 15 में से 14 गया, 1/15, यही शेष यहां से निकाला जाता है। ठीक है, ये कितने परसेंट पर, तो ये है आपका 20% लाभ पर। ठीक है, ऐसे कर देंगे। अब ये क्या होगा, इसे काट लेंगे, 5 × 7 = 35। ठीक है, यहां पर कितना होगा, यानी ये हो जाएगा 5 × 3 = 15, 5 × 20। ठीक है, ये हो जाएगा 14/3 प्लस 21/2 प्लस 4/3। ठीक है, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम हो जाएगा इसका 6, तो ये 3 × 6 तो ये 28 हो गया, 2 × 3 = 6 ये 63 हो गया, 3 × 6 ये 8 हो गया, ये कितना होगा, 63 और 8 = 71 और 71 = 81 99 99/6 हो गया, 3 × 6 = 3 से ये हो गया आपका 33। 33/2 का मतलब 16.5%, इसके आंसर कितना होगा भाई, 16.5%। ठीक है, तो इसे नोट कर लेंगे, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति ने एक तिहाई वस्तुएं पंद्रह परसेंट लाभ कॉमा 1/4 यानी 1/4 कॉमा 20% लाभ और 24% लाभ पर बेचता है तो कुल 62 रुपया का लाभ होता है, 62 रुपये का लाभ होता है। वस्तुओं की कीमत बताएं। ठीक है, ये पूछा है वस्तुओं की कीमत बताएं, कैसे करेंगे इसे,
तो ध्यान से देखते हैं इसे कैसे करना है। करने का तरीका यह होगा कि जैसे कह रहा है एक व्यक्ति एक बटे तीन वस्तुएं 15% लाभ पर, एक बटे चार वस्तुएं 20% लाभ पर, और शेष कितना होगा 4 और 3 7 7 यानी 5/12। कैसे निकालेंगे तो देखते हैं, 1/3 + 1/4 शेष निकालने के लिए, ठीक है ना। एक तो तरीका यह है कि 4 3 7 और 4 3 12 यानी 7/12, तो यहां हो जाएगा 5/12, बाकी जोड़ कर निकालना है तो 3 और 4 का एलसीएम लेंगे 12 होगा, 3 4 12 और 4 3 12 यानी 7/12, ठीक है। तो 12 में से 7 क्या, यानी 5/12, 5/12 वस्तुएं 24% लाभ पर बेचता है, तो कुल 62 रुपया का लाभ होता है, यानी भी पीछे क्वेश्चन बताया कि लाभ यहां पहुंच जाएगा 62, ठीक है, क्लियर। एक चीज और समझना होता है, समझने का एक अच्छा तरीका है कि अगर 100% की वैल्यू निकाली जाती है, इस चैप्टर की बात बता रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस में, तो 100% की वैल्यू अगर निकाली जाती है तो यह आपको समझना है कि उसे सीपी कहेंगे, यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कहेंगे, ठीक है। अगर 100% से नीचे निकाली जाएगी तो आपको समझना है कि वहां पर लाभ होगा या हानि होगी, क्या होगा, या तो लाभ या हानि। अगर 100% प्लस रहेगा यानी 100% से ऊपर रहेगा तो विक्रय मूल्य होता है, क्योंकि 100% तो हमेशा क्रय मूल्य होता है। यानी वस्तुओं की कीमत यहां पूछा है, इसका मतलब सीपी आपको निकालना है, क्या निकालना है, सीपी यानी क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। तो 1/3 वस्तु 15% लाभ पर, 1/4 वस्तु 20% लाभ पर, और शेष को यानी 5/12 को 24% लाभ पर बेचा जाता है, बेचता है जो भी, तो कुल 62 रुपया का लाभ होता है, यानी 62 रुपये लाभ हो गया, ओके। अब क्या करेंगे, इसे काट लेंगे 3 5 15 4 5 20 और ये हो जाएगा 12 2 24, तो ये हो गया 5 2 10 10 5 15 5 20, 20% की वैल्यू आपके पास 62 है। तो वस्तुओं की कीमत यानी सीपी पता करना है, यानी क्रय मूल्य पता करना है, यानी कॉस्ट प्राइस पता करना है, इसका मतलब ये होता है कि आपको 100% का मान निकालना है, तो 20% की वैल्यू 62, तो 100% का वैल्यू निकाल लेंगे 62/, यहां भी 5 से गुणा करके कर सकते हैं लेकिन आराम से बता रहा, 62/20 × 100, ठीक है। 20 5 100 कितना हो जाएगा, 6 5 300 2 5 300 10 रुपया इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो इसे नोट कर लेंगे, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, छोटा छोटा क्वेश्चन है, बस देखते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन लाल 20 दर्जन केला ₹48 प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदता है, वह आठ दर्जन को 10% लाभ और शेष 12 दर्जन को 20% लाभ पर बेचता है
तो कुल लाभ प्रतिशत बताए, कुल लाभ प्रतिशत बताए, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसको, कुछ लोग पूरा लंबा करके सॉल्व करता है, तो बहुत शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं जो हर जगह काम आएगा। कैसे सॉल्व करना देखेंगे। 20 दर्जन केला 48 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदता है, इसमें परसेंटेज में पूछा है, और कहीं भी मैं पीछे भी लाभानी पर आया हूं तो बता रहा हूं कि परसेंटेज की कहीं भी बात होती है तो वहां 100 मानकर हो जाएगा, मतलब 100 से रिलेटेड करके हो जाएगा, उसमें इतना जरूरत नहीं। तो यहां 48 रुपया दर्जन हो उससे कोई यहां पर ये नहीं है। सबसे पहले ध्यान रखना है कि परसेंटेज की बात है, तो मैंने बताया परसेंटेज का मतलब 100 से मतलब है, ठीक है, परसेंट वाला वैल्यू से मतलब। अब टोटल 20 दर्जन है, राइट। अब कह रहा है इसमें 8 दर्जन को 10% लाभ, तो 8 × 10 कर देना है, 8 × 10 = 80 सीधे, ठीक है ना, 80% लाभ हो गया कह सकते हैं। अब तो सब परसेंटेज में वैल्यू है तो वहां कोई दिक्कत नहीं। 8 दर्जन को 10% लाभ, 8 × 10 = 80। शेष 12 दर्जन को 20% लाभ, 20%, तो 12 × 2 कितना हो गया 24, 240 लाभ हो गया, ठीक है। अब टोटल लाभ के बाद कितना हो गया, ये 0 × 8 = 12 × 2 = 3, 320। कह रहा है तो कुल लाभ प्रतिशत बताए, कुल लाभ प्रतिशत बताए। अब कुल लाभ प्रतिशत की बात ये कह रहा है, तो यहां पर कैसे निकालेंगे, यानी 8 दर्जन और 12 दर्जन यानी टोटल कितना है 20 दर्जन, तो ये 0 से 0 कट गया, ये 2 से कितना और 16, तो यहां पर पूछा कुल लाभ प्रतिशत बताए, तो क्या होगा इसका 16% इसका आंसर हो गया। तीसरे नोट कर लेंगे, अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक परिवार में चावल मछली तथा तेल पर किए गए खर्चों का अनुपात बारह अनुपात सत्रह अनुपात तीन है। इनके मूल्य में क्रमशः बीस परसेंट 30% तथा 50% वृद्धि होने पर परिवार के इन तीनों मदों में खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। क्वेश्चन क्या चाह रहा है, एक परिवार में चावल मछली तथा तेल पर किए गए खर्चों का अनुपात 12 × 17 × 3 है, इनके मूल्य में क्रमशः 20% 30% तथा 50% वृद्धि होने पर परिवार के इन तीनों मदों पर खर्च में कितने परसेंट की, मतलब ये पूरे टोटल सौदा में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। चावल मछली और तेल, ठीक है, ये तीनों लिए।
इसका रेशियो क्या है 12 17 और कितना 3, ठीक है। इसे बना लो 120 170 और 30। आसान करने के लिए 12 सौ 17 संख बना सकते हैं, कितना भी जीरो डाल सकते हैं, लेकिन ज्यादा बड़ा हो जाएगा कोई जरूरत नहीं। अब क्या है कि शुरू में जो ये है ये क्या है खर्च का अनुपात, ये 120 170 और 30 मान लिया, हम जीरो जीरो लगा लिया, और भी जीरो बढ़ा सकते हैं लेकिन बस इतना ही से काम चला लेंगे, ठीक है। जितना छोटा रहेगा उतना ही सही रहेगा। अब इसके शुरू में खर्च जोड़ ले कितना होगा, 120 और 170 290 और 30 320 हो गया, कितना हो गया 320 रुपए, यानी शुरू में इससे खर्च कितना है 320 मान ली, ठीक है, रेशियो में जोड़ लिए। अब कह रहा है इनके मूल्य में 20%, इसमें 20% पहले बढ़ेगा, तो 120 का 20% 12 दुना 24 यानी 24 रुपए बढ़ेगा, तो 100 कितना हो जाएगा 44, इसमें कितना बढ़ाना है यानी 30%, तो 17 51 बढ़ जाएगा, 51 का मतलब 2 से 21 हो जाएगा, 170 में 51 जुड़ेगा तो 2 से 21 हो जाएगा। अब इसमें 50% की वृद्धि कह रहा है यानी 30 का 50% 15 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका 45, ठीक है। अब ये जुड़ लेंगे 5 1 6 4 10 के 0 1 4 5 2 7 4 11 1 2 3 और 1 4, इसका मतलब है कि पहले 320 और अब बढ़कर कितना हो गया 410। अब कह रहा है परिवार की इन तीनों मदों पर खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, कितने परसेंट की वृद्धि पूछा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कितना बढ़ा, यहां से यहां तक कितना बढ़ा, तो ये बढ़ा है आपका 90, कितने पर 320 पर, तो 100 पर कितना, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो कट गया, उसके बाद ये हो जाएगा आपका 2 से 16 और 2 से 5, ये हो जाएगा आपका 2 से 8 और 2 से हो गया 45, 45 बचे 225/8 का मतलब 8 2 16 8 8 64 1/28 सही 1/8% की वृद्धि, कितना 28 सही 1/8% की वृद्धि, ठीक है। तो इसे नोट कर लेंगे, एकदम प्रैक्टिस करना है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस होगी आप, क्वेश्चन कह रहा है ए कॉमा बी कॉमा सी अलग 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 किसी काम को पंद्रह कॉमा बीस और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, ए शुरू से अंत तक काम करता है, तथा प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी कॉमा ए के साथ काम करते हैं, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो काम कितने दिन में
समाप्त होगा। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखेंगे। कह रहा है एबीसी अलग अलग किसी काम को 15, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बराबर 15, बी बराबर 20 और सी बराबर 30। 15, 20 और 30, पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। 15, 20 और 30 का एलसीएम होगा 60। 15 चौका 60, 20 तीन 60, 30 दूना 60, इससे भाग देते हैं। ठीक है, ओके। कोई भी काम, एक बहुत ही अच्छा तरीका बता रहा हूं, कोई भी काम क्षमता से कराएंगे यानी एफिशिएंसी से, नीचे वाला सी से, तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। बाकी काम से कराओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब कह रहा है कि ए शुरू से अंत तक काम करता है, यानी यहां भी ए रहेगा पहला दिन, दूसरे दिन भी ए रहेगा, अगर तीसरे दिन की बात करें वहां भी ए रहेगा, चौथे दिन भी ए रहेगा, हर जगह रहेगा। तो कह रहा है ए शुरू से अंत तक काम करता है तथा प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी ए के साथ लग जाता है, यानी पहला दिन तो ए रहेगा, दूसरे दिन बी और सी रह जाएंगे ए के साथ। ठीक है, हाँ, तथा प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी ए के साथ काम कर, तो काम कितने दिन में समाप्त हो, इसका मतलब ए की क्षमता यहां पर कितना है, 4, और ए बी सी अगर तीनों के ले ले तो कितना होगा, 4, 3, 7 और 2, 9। ठीक है, तो 9 और 4 कितना काम होगा, 13 काम होगा। टाइम कितना लगेगा, 13 काम दो टाइम में होगा, यानी दो दिन कह दो, जो भी एक और एक दो, व्यक्ति से मतलब नहीं होता है, टाइम से मतलब होता है, यानी अकेला फिर एक साथ ये दोनों, तो एक और एक दो। अब 13 को 60 बनाना है, या तो 60 बन जाए या 60 से कम हो जाए, लेकिन 60 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, 13 चौका 52 का टाइम कितना लगेगा, 2 चौके 8, 52 काम करने में 8 दिन लगेगा या 8 समय लगा, जो भी लगा। अब क्या करेंगे, अब 60 करना है, ये 4 काम कर देगा और टाइम कितना लगेगा यहां पर, 1। अब 52 4 56 काम हो गया, अब बचा 4 काम, इसकी बारी यही है। तो अगर ये पूरा 9 काम रहता तो ये जोड़ते, लेकिन इसकी क्षमता कितना है, 9 काम करने की, और करना कितना है, 4, तो ये हो जाए कितना, 52 4 56 और 4 यहां लिख देते हैं 60। ठीक है ना, ये 4 दोनों एक ही जैसा बात एक ही होता है, तो ये 60 काम तो हो गया। टाइम कितना लिया, 9 सही 4 बटे 9। ठीक है, ये प्रैक्टिस करा रहा हूं, चैप्टर देख लेना चैनल पर, उस पर पढ़ाया हूं, इस चैप्टर को बढ़िया से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो 9 सही 4 बटे 9 इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन, ए तथा बी एक काम को अकेले अकेले 45 दिन तथा 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया लेकिन कुछ दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। तथा बी ने शेष कार्य 23 दिन में
क्षमा किया, ठीक है, क्षमा किया। ए ने कार्य कितने दिन बाद छोड़ा, ए ने कार्य कितने दिन बाद छोड़ा, ठीक है, यह हो गया आपका क्वेश्चन। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले ए का 45 और बी का 40 लिख लिए, इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 360, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये 8 बन जाएगा और ये जाएगा 9। पहला काम तो ये हो गया। इसे बोलते हैं टाइम, इसे बोलते हैं टाइम, ये होता है टोटल वर्क, ये होता है पहला का एफिशिएंसी यानी क्षमता, ये दूसरे की क्षमता। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि ए ने कार्य छोड़ दिया कुछ दिन बाद, ये पता नहीं, ठीक है, उसके बाद तथा बी ने शेष काम 23 दिन में समाप्त किया। बी ने कितने काम, इसका 23 दिन ही है, हाँ 23 दिन में ही समाप्त किया, ठीक है। तो एक बात बताओ यहां पर कि बी ने 23 दिन में समाप्त किया, तो यहां पर बात करेंगे कि टोटल काम यहां पर करना है 360 काम करना है, कितना काम करना है 360 काम करना है, और 360 काम करना है, इसका मैं शॉर्ट कई तरीका से बता सकता हूं, ठीक है, मैं इसे दो तरीका बता रहा हूं फिर भी। तो यहां पर क्या करें, 360 काम करना है। अब एक बात बताओ कि कुछ दिन बाद ए ने तो कार्य छोड़ दिया, ठीक है, बी ने शेष काम 23 दिन में समाप्त किया, इसका मतलब यह हुआ कि बी 23 दिन तक काम करे होंगे, बी तो कभी भगा नहीं है, तो बी की क्षमता कितना है, 9 है, तो 9 क्षमता से 23 दिन तक तक काम करे होंगे, तो कितना काम हो गया, काम जो हुआ होगा यह हुआ होगा 207 काम, कितना काम होगा 207, 27 और 9 दुना 18 20, 207 काम हो गया, ठीक है। अब बात यह है कि 207 काम तो कौन करा होगा, अकेले बी ने करा होगा, तो 360 में से 207 घटा लेंगे तो कितना बचा, यानी 153 काम बचा। अब 153 काम दोनों ने करा होगा, जब तक ए ने नहीं छोड़ा तब तक ए और बी, क्योंकि दोनों साथ में काम शुरू करे हैं, तो दोनों ने साथ में शुरू करे हैं, तो ए और बी दोनों मिलकर करे होंगे, तो दोनों की क्षमता कितना, 9 8 17, तो 17 से भाग दे देंगे 117, 9 कितना होता है 153, यानी 9 दिन बाद किसने काम छोड़ा है, यानी ए ने छोड़ा है। ए ने कितने दिन बाद छोड़ा है, यानी 9 दिन बाद इस काम को छोड़ा है, इसका आंसर कितना होगा, 9 होगा, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, एक तरीका और बता रहा हूं, यही तरीका लेकिन अच्छा है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, एक तरीका और बता रहा हूं कि कह रहा है ए ने, हाँ, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, तो बी कितना काम करा होगा 23 दिन तक, यानी बी एक दिन में 1/40 काम कर सकता है, ठीक है, 1/40, तो ये 23 दिन में कितना काम करा होगा, 23/40, तो 23/40 काम इसने करा होगा, तो ये दोनों लोग मिलकर कितना काम करे होंगे, तो 40 में से 23 गया, 17/40 काम ये दोनों लोगों ने करा होगा, तो 360/8+9 है, यानी 360/17 × 17/40, तो 0 से 0 4 9 36 और ये 17, यानी 9 दिन बाद ए ने काम छोड़ा है, तो इस तरीका से भी हो जाएगा, लेकिन वही तरीका सही है, मैं दो बता दिया कम से कम, और भी बता सकता हूं, लेकिन वही तरीका सही था, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 18 व्यक्ति एक काम को चलो मैं इसे शॉर्टकट में लिख देता हूं, ठीक है, देखेंगे,
कह रहा 18 व्यक्ति यानी मैं एक काम को 24 दिन में कर सकते, कितने दिन में? 24 दिन में। कह रहे 54 औरतें यानी वुमेन, 54 औरतें इसे 12 दिन में समाप्त कर सकती है, तथा 16 बच्चे यानी बॉय इसे 54 दिन में समाप्त कर सकते हैं, कितने दिन में? 54 दिन में। तो कह रहा है कि तीन आदमी यानी तीन मैन, 9 औरतें तथा 6 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझ लेंगे फिर से। कह रहे 18 आदमी किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, जबकि 54 औरतें इसे 12 दिन में कर सकती हैं, और 16 बच्चे इसे 54 दिन में कर सकते हैं, तो तीन आदमी, 9 औरत तथा 6 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये करने का तरीका क्या है इसको मैं बता देता हूं, देखें कैसे शॉर्ट ट्रिक है। ये 18 आदमी 24 दिन, तो इसे लिखना है 18 × 24। ठीक है, फिर कह रहे 54 औरतें 12 दिन, 54 × 12। फिर कह रहा है 16 बच्चे 54 दिन, तो 16 × 54 लिख देना है। ठीक है, अब कह रहे तीन आदमी, तो पहला आदमी था, फिर कह रहे 9 औरतें, ठीक है, फिर कह रहे 6 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, यही करने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे कटा लेंगे, कट जाए तो 3 × 3 = 24, 9 × 9 = 54, 6 × 9 = 54, ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा 72, और ये हो जाएगा 144। एलसीएम ले लेंगे 144, यहां पर 1, 2, 1, 4/144, 4 × 4 = 12, 4 × 6 = 31 का मतलब 36 दिन इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसे नोट कर लेंगे, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी संख्या को 9/8 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उस संख्या को 9/8 से भाग दे दिया, जिससे प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से 17 अधिक प्राप्त होता है, वह संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या होगी। ठीक है, इसको करने का तरीका यह होगा कि वह संख्या मान लेंगे ए, ठीक है ना, इसको 9/8 से गुणा करना था, लेकिन गलती से इसमें 9/8 से भाग दे दी है। ठीक है, ठीक है, तो जो गलती होता है उसको पहले लिखते हैं। ठीक है, तो 9/8 से भाग दे दिया गया, यानी ये गलती हो गया, तो इसे पहले लिखेंगे। वास्तविक परिणाम से कितना उत्तर अधिक प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ आपका 17, ये 17 लिख देंगे। ये ध्यान रखेंगे कि जो गलती हो जाती है उसको क्या लिखते हैं, उसको पहले लिखते हैं। जैसे मैं कहूं कि किसी संख्या को 25 से गुणा करना था, लेकिन गलती से उस संख्या को 52 से गुणा कर दिए, जिससे उसका उत्तर वास्तविक उत्तर से 324 अधिक प्राप्त हुआ, ऐसे निकाला जाता है। फिर से समझेंगे, जैसे मेरा क्वेश्चन था कि मान लो अपने तरफ से मैंने बोला कि किसी संख्या को 25 से गुणा करना था, लेकिन हमने गलती से उस संख्या को 52 से गुणा कर दिया, और उसका उत्तर वास्तविक उत्तर से 324 अधिक प्राप्त हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि जो गलती हो जाता है उससे पहले लिखते हैं और सही वाला को बाद में। ठीक है ना, जैसे मान लो कि अगर समझ में नहीं आया, आपको 20 रुपया लेना है किसी से और 100 का नोट ले लिया, तो कितना आपने अधिक लिया, 80, यानी 20 लेना था और 100 का नोट आपने लिया, तो 80 अधिक है, तो गलती से तो 100 लिया, लेना था 20, तो जो गलती हो जाती है उसे कहां लिखते हैं, पहले लिखते हैं। ठीक है, तो इस चीजों को ध्यान रखिएगा। अब इसे कैसे सम करेंगे, तो ये हो जाएगा 8a/9, ए मान लिए समझाने के लिए, और ये 9a/8, पहले इसके एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 72, तो 9 × 8 = 72, 8 × 8 = 64a, और ये कितना हो जाएगा 8 × 9 = 72, 9 × 9 = 81a, अब बराबर कितना 17। ठीक है, माइनस का कोई मतलब नहीं होता है, 64 में से 81 गया तो ये 17 हो जाएगा, 17 से 17 काट दिया, यहां a बचेगा, a बराबर कितना होगा 72, माइनस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से बनाते हैं, इसकी ट्रिक से बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे, तो देख लेंगे, फॉर्मूला लिख देता हूं, ए बी सी बटा
बट्टा दोनों मतलब ये जो संख्या है एबीसी लिख दिया, ये जो संख्या अंश तथा हर के वर्गों का अंतर, ठीक है ना, ठीक है, स्क्वायर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी अंश और हर के वर्गों के अंतर को यहां से कर देना, यानी लिख सकते हैं ऐसे लिख देता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन समझ जाना कि ए स्क्वायर माइनस ज्यादा में से कम ही घटेगा, बाकी कोई यहां पर माइनस से कोई मतलब नहीं होता है। तो जैसे मैं 8 लिख दू, 9 लिख दू, और एक संख्या कितना है यहां पर 17 है, और बट्टा दोनों का अंतर यानी 99 81 में से 8 होता है 64 गया, तो कितना हुआ 17, 17 से 17 कट गया, आंसर कितना 72 हो गया, ठीक है। उसी तरीके से इसको भी बना सकते हैं, जैसे इसको भी मैं बता देता हूं, इसे मिटा देता हूं, इसको मैं ऊपर सॉल्व करके बता देता हूं डायरेक्ट ट्रिक से, ठीक है, कैसे बनाएंगे ट्रिक से, इसको बनाना हो तो एबीसी यानी 11 इंटू 23 और इंटू कितना अधिक प्राप्त होगा 1224, तो 1224 लिख दिए, बट्टा में क्या लिखेंगे इनके वर्गों का अंतर, यानी 23 के स्क्वायर पर करेंगे 529 में से 11 के स्क्वायर 1 से 21 घट जाएगा, तो 529 में से 1 से 21 गया तो 408 हो गया, अब इससे कितना हो गया 3 बार में कट गया, अब ये कितना हो गया 23 से 69 गुणे 11 75 759 इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।